वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज सब विद्यार्थियों को चमत्कारिक और अद्भुत प्रकृति खेती दिखाई जाएगी, जिसका हमारे पिताजी के नाम से श्री पीसीएम शाश्वत प्रकृति योगी खेती, जिसमें आप बहुत अलग टाइप की खेती देखेंगे। हजारों साल पुराने आप गेहूं देखेंगे जिसका बीज हम तीसरी बार उपयोग कर रहे हैं, और उसके अलावा कैसे हम गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती, फल और राख से हम कैसे प्रकृति खेती, आज आपकी संपूर्ण जानकारी होगी, जिसमें कीट नियंत्रक बनते, कीटनाशक कुछ भी नहीं बनता है, और पूरा जीवो जीवस जीवनम, मतलब जीव द्वारा जीवन कैसे संभव है, आज आपको चरितार्थ होगा। तो आज आप सब विद्यार्थियों को जितना पढ़ाया गया है और जितना आपने प्रकृति को देखा है, आज आप अंदर से महसूस करेंगे। आइए, और मैं मैडम लोगों को, सर लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आइए मैडम, आइए। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये हमारी यज्ञशाला है। क्या है? यज्ञशाला। देखिए, कोई बताएगा यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से होता है वातावरण शुद्ध। क्या होता है? वातावरण शुद्ध। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं या कोई भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ प्रेयर करते हैं, तो वहाँ एक अलग ही मानसिक शांति मिलती है, एक अच्छा ऐसा लगता है यहाँ बैठे रहो मिलती है ना। जैसे मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम लोग गुरु आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो मन की शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन बहुत सकारात्मक होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि हमारे पेड़ पौधे और हम और हमारी धरती माता कुछ भी अलग नहीं है, जिस तरीके से हमको खुशबू वाली चीज़ें अच्छी लगती है, जिस तरीके से हमें अच्छा वातावरण अच्छा लगता है, वैसे हमारे पेड़ पौधों का अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे गोबर के कंडे से अग्निहोत्र करते हैं। क्या होता है? यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध के अलावा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, हजारों लीटर ऑक्सीजन परमिलन गैस निकलती है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। और उसके अलावा जो हम अग्निहोत्र करते हैं, उसकी जो राख का उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल सुपर डीएपी। क्या कहते हैं? नेचुरल सुपर डीएपी, क्योंकि उसमें पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, इसकी मात्रा बहुत प्राचुर में होती है। और हम जब बोनी करते हैं 100 किलो गेहूं की, तो 2 से 3 किलो ये राख का उपयोग करते हैं, जिसको हम भभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये यज्ञशाला इसी के लिए बनी हुई है, जिसमें हम लोग बैठ के अग्निहोत्र करते हैं, आसपास का वातावरण शुद्ध करते हैं। और आप ये जो हमारा फार्म हाउस देख रहे हैं, इसमें जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, अभी पतझड़ चल रहा है, फिर भी देखिए इसमें कितनी अच्छी हरियाली है। और इस पूरी इसमें हम लोगों ने आज तक, मतलब 1.5 साल हो गया इसको डेवलप किए हुए, सिर्फ प्राकृतिक फूल पत्ती गोबर गौमूत्र का ही उपयोग किया और राख का उपयोग किया है। तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन बहुत अच्छी लग रही होगी। तो हम छोटी सी जगह अपने घर में भी छोटे से पात्र में कंडे को अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जो हम हुमा खेती कहते हैं, चावल और घी मिला के थोड़ा सा हवन कर सकते हैं, और उसकी राख हमारे लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है और हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। टॉन्सिल से लेकर जिसको मेंटली हेल्थ की प्रॉब्लम है, ऊर्जा से लेकर बहुत लगभग 88 तरीके की रोग को ठीक करती है, जिसको हमारे पुराने ज़माने में भभूत कहा जाता था, और आज की डेट में अमेरिका उसको चमत्कारी किया मैजिकल ऐश कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा राख मतलब अग्निहोत्र होता है, इसलिए प्रॉपर एक कुंड बना हुआ है। चलिए अब आपको आगे ले जाते हैं, अब आपको हम खेत दिखाते हैं। ये है आपको ये वाला जो गेहूँ दिख रहा है सब लोगों को, कोई कितने लोग के घर में खेती, हाथ उठाई एक बार। तो कुछ आपको क्या फर्क दिख रहा है इस गेहूँ में, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं कि एक तो ये हमारा तीसरी बार हम इसका उपयोग कर रहे हैं, बंसी गेहूँ है। कौन सा गेहूँ है? बंसी गेहूँ। 3000 साल पुराना। कितना? 3000 साल पुराना ये बंसी गेहूँ है। और उसके अलावा ये दुनिया का सबसे महंगा गेहूँ है। कौन सा गेहूँ है? दुनिया का सबसे महंगा गेहूँ, जिसको हम दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो इसकी 35,000 का क्विंटल रेट है। इस गेहूँ को जब आप हाथ में से लेके देखेंगे, तो ये सोने के जैसा चमकता है। किसके जैसा चमकता है? सोने के जैसा। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, नीचे बहुत कचरा दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? ये आप लोगों की खेती में नहीं दिखता होगा, है ना। देखिए, हमारे इसमें ये खेती में नीचे पूरा आपको दिख रहा है कचरा ही कचरा दिख रहा है, लेकिन गेहूं कैसा स्वस्थ दिख रहा है। बीच में आपको बहुत सारी जगह अब तो सूख गई राई दिख रही होगी, देख रहे हैं आप। तो ये जो नीचे का जितना भी खरपतवार है, ये इसका बेटा बेटी है। क्या है? बेटा बेटी। तो खरपतवार नेचुरल उगते हैं, लेकिन हमारा एक पौधा 98% खाना किससे लेता है? धूप, पानी और हवा से। किससे लेता है? सिर्फ जमीन से उसको 1.5% चाहिए, मतलब वातावरण से ही। और हमारे प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति से कितना ले लेता है, ये प्रकृति से ये ले लेता है 98% लगभग, 98.5% लगभग भोजन किससे ले लेता है, ये धूप, पानी और हवा से। सिर्फ जमीन से तो चाहिए हमको 1.5%। और अगर खरपतवार ये जमीन के बेटा बेटे हमारा गेहूं पहले उग गया और ये नीचे है, तो ये तीन काम करेगा। ये एक तो नेचुरल अच्छा दान या मल्चिंग हो जाएगा,
दूसरा हमारे गेहूं को हमने सिर्फ तीन पानी दिए, कितने पानी कम लगेगा क्योंकि पानी का भाप कम होगा। तीसरा जमीन से सिर्फ 1.5% जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और जितनी चीजें चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में ले सकता है। और इसके अलावा एक हमारा बायोडाइवर्सिटी बनेगी, मतलब ये दूसरे कचरे होने के कारण अगर हम पूरे एरिया में गेहूं लगाएं लेकिन मिश्रित खेती की एक तरीके से श्रेणी में जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारी जगह सूखी राई, जैसे इतने एरिया में हम लोगों की लगभग 10 से 15 किलो राई निकल जाएगी। ये जो छोटी छोटी दिख रही है ना आपको सूखी चारों तरफ है यहाँ जी। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे मेथे हैं ये सब चीजें हैं, ये बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर रही है। इसलिए हम लोग देखिए यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं तो जहरीली है ही, लेकिन जो हम कीटनाशक डालते हैं वो और ज्यादा जहरीला है, और खरपतवार जो डालते हैं वो भी बहुत ज्यादा जहरीला है। और आपको जितना दिख रहा है हम लोगों ने लगभग 20 एकड़ में गेहूं लगाए, कितने एकड़ में 20 एकड़, और सिर्फ गोबर गौमूत्र फूल पत्ती और फल के रस से। ठीक है, आइए हम लोगों ने एक एकड़ में मात्र 2 किलो लगाया, कितना भार पद्धति से। अब आपके जो गेहूं दिख रही है आगे आपको देखिए, ये वाला भी बंसी गेहूं लगा है, कौन सा लगा है स्वस्थ। और इसके अलावा हमने 1 एकड़ में मात्र 35 किलो लगाए, कितना आज की रेट में कितना लगाते हैं लोग 90 किलो 80 किलो। जैसे आप इसमें बाले देख रहे हो तो एक बाले में 3 से 4, 5, 4, 5, 3 ऐसे दिख रहे हैं बाले आपको, क्योंकि हमने इसको दूर लगाए। और 90 किलो जो लगाते हैं तो एक गेहूं से एक ही बाला दिखता है हमेशा, इसमें आप सब में देखिए कितने बाले। और ये सरबती गेहूं है, सबसे उच्चतम क्वालिटी का गेहूं है। ठीक है, आइए, ये बाजू में जो आपको चना दिख रहा है ये चना भी तब तो आने लगा है, ये भी हमने काफ़ी दूर दूर लगाए थे। ये इसके सबके बीज बना रहे हैं, धाना भी बना रहे हैं हम लोग, तो बीज भी हम खुद क्या करते हैं खुद बनाते हैं। ये दिख रहा है गेहूँ, बीज का गेहूँ देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो बीज का गेहूँ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, इसको हम चयनित प्रणाली से इसका बीज बना देंगे। क्या बना देंगे इसका बीज। अब इतने एरिया का या इस एरिया का हमारा गेहूँ बहुत अच्छा हुआ है तो इसको हम पहले कटवा के बीज के लिए अलग रख देंगे, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा मोटा दिख रहा है ना, बीच बीच का भी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है जो। तो अगली बार इसका सूखने के बाद जो ये गेहूं इसका बेटा बेटी अगली बार इसका जब हम उपयोग करेंगे तो बहुत ताकतवर और बहुत स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, आइए, अब आप लोग यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं ऑपरेशन जगह की, जो भी एक मेन जगह होती है, जो एक ऑफिस होता है जहाँ से पूरा ऑपरेशन होता है ऑपरेट होता है, तो हमारा ये जो है पूरा, इसमें आपको कितनी टंकी दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस 6 टंकी से हमारी पूरी 20 एकड़ खेती होती है। और ये ऊपर जो आपको सोलर पैनल दिख रहे हैं यहाँ, इससे हम सूर्य की शक्ति से, जैसे कहते हैं धरती हमारी माता है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है सूर्य देवता हमारे क्या है पिता है, तो इसकी सूर्य की रोशनी से हम, क्योंकि शाश्वत प्रकृति योगी खेती करते हैं इससे पानी का उपयोग करते हैं। अभी आपके सामने क्या लिखा है जीवामृत, इसमें हम ऐसे पानी की टंकी रखते हैं चूंकि इसमें छाव है और ऐसा हम लोग नेट का उपयोग कर लेते हैं डायरेक्ट धूप की रोशनी ना पड़े, और इसको हम ऐसे ये जीवामृत हमारा बनता है। अब ये जो जीवामृत है हमारा, इसमें हम लोगों ने 10 लीटर गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ या कोई भी मीठा फल, कोई भी बड़े पेड़ की मिट्टी और एक मुट्ठी और छाछ और 170 लीटर पानी, ऐसे हम लोगों ने जीवामृत बनाए। क्या बनाए हमने जीवामृत। अब ये जीवामृत क्या काम करती है, ये जीवामृत काम करती है आपका पोषण देने का। क्या काम करती है पोषण, मतलब देखिए हमारे इसको इस घोल में जैसे गोबर और गौमूत्र प्रमुख है, तो मैंने आपको बताया कि गोबर में फाइबर होता है, क्या होता है क्रूड फाइबर, जैसे हमारे शरीर को पचाने के लिए क्या चाहिए फल चाहिए या फाइबर चाहिए, जैसे हमारा शरीर का खाना पचता है तो वैसे हमारे इस गोबर में क्रूड फाइबर होता है, क्रूड प्रोटीन चाहिए हमारे मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। इसमें 24 प्रकार के, अभी का जो आधुनिक साइंस कहता है, हमारा तो कहना है कि 108 तत्व है, लेकिन आधुनिक साइंस कहता है कि इसमें 24 तत्व है, जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास कैल्शियम जिंक आयरन इत्यादि चीजें हैं। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु में ट्राइकोडर्मा आपका सोडामास एजेक्टोबैक्टर राइजोबियम लैक्टोबैसिलस लैक्टोसेप्टिलस और इसमें
बहुत सारी क्या कहते हैं ऐसे सूक्ष्म जो जैसे ब्रेड में वो फफूंद नहीं आ जाती जो हमारे जमीन को फायदा करती है, जैसे एस्परजिलस, राइजोपस, इस तरीके के इसमें सूक्ष्म वो भी है। और उसके अलावा इसमें बहुत अच्छे तरीके के जो हम कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए ग्रोथ में क्या हार्मोन्स मदद करते हैं, तो वैसे ही इसमें ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत करते हैं। जैसे इंडोलिक एसिडिक एसिड पाया जाता है इसमें, ऑक्सिन पाया जाता है इसमें, जिब्रेलिन पाया जाता है, साइटोकिनिन पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत शक्तिशाली। मतलब ये एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है जो हमारे पेड़ पौधों को चाहिए। और इसमें गुड़ के कारण जीवो जीवस जीवनम, मतलब जीव द्वारा जीवन संभव हो पाता है। इसमें जो हम मिट्टी लेते हैं कोई भी बड़े पेड़ की, जो हमारे आसपास के एरिया जहां हम यूरिया डीपी का उपयोग नहीं करते और जहरीले रसायन नहीं करते, कुछ ऐसी जगह होती है जो आसपास हमारे गांव के या उसके जंगल टाइप का हो, वहां की एक मुट्ठी मिट्टी ला लेते हैं। तो उस मिट्टी में एक मुट्ठी मिट्टी लाने से क्या हो जाता है, वो देसु जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? देसु जीवाणु। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं बहुत बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, तो आप उसके सेंसिल होते हैं। मतलब आप अगर वहाँ के लोकल है तो आपकी शक्ति इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके परिवार में आपके भैया या कोई भाभी बाहर से आ जाए, उड़ीसा से, केरला से, तो उनको वहाँ एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा तकलीफ जाएगी। तो जो एक मुट्ठी मिट्टी रहती है कोई भी बड़े पेड़ में, ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। काय का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। तो वहाँ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कैसे माइक्रोराजा। माइक्रोराजा क्या होता है कि पेड़ पौधों को जमीन से 20 फीट नीचे से पानी लाके देता है। ट्राइकोडर्मा, ऐसे बहुत सारे, एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम, ये देसी होते हैं और ये धूप आंधी तूफान सब सहन करके हमारी धरती माता में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हमारी खेत की खेती में आप देखते होंगे कि हवा से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सब जरूरतमंद चीजें किसको देते हैं? जमीन में, हवा से खींच के। इसलिए हम इसको कहते हैं जीवो जीवस जीवनम। जैसे हमारे शरीर में 96% क्या है? सूक्ष्म जीवाणु पूरे शरीर में, जो सब काम कर रहे हैं, खाना पचाने से लेके खून सप्लाई से लेके, मतलब हमारा जितना भी काम हो रहा है सूक्ष्म जीवाणु द्वारा हो रहा है। उसी तरीके से पेड़ पौधा का भी काम वैसे होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, दिख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे। ये भी पेड़ पौधे हैं, अभी इसमें थोड़ी सी पत्ते कम हो गई क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बसंत ऋतु आ रही है, तो अब धीरे धीरे पत्ते आ रहे हैं। अभी पतझड़ चल रहा है, ऋतु और ज्यादा आप देखेंगे तो चारों तरफ पेड़ दिख रहा है। अब ये पेड़ों का क्या काम है, देखिए अगर प्रकृति खेती में हमें सक्सेस होना है तो समझ लीजिए कि आप लोग यहाँ खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, ठीक है, और अच्छी तेज धूप आ गई दोपहर के 12 बजे, तो आपके सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक धूप में खेल पाओगे लगातार, और बहुत ताकतवर भी हो तो आप एक दिन दो दिन खेल पाओगे। अब क्या होता है, मई का महीना जाता है, गर्मी का, अप्रैल का, अब करोड़ों जीवाणु है बेचारे, करोड़ों जीवाणु धूप सहन नहीं कर सकते। अब धूप सहन नहीं कर सकते तो उनको छुपना है कहीं, तो कहाँ छुपेंगे वो? ये जितने जो पेड़ों में आपके जो मेड़े हैं ये छुप जाएंगे अप्रैल मई में, और फिर से जब आप बरसात में बोएंगे तो मेड़ों से आके वापस खेत में अपना क्या कर देंगे, काम चालू कर देंगे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मेड़ों में पेड़ पौधे खत्म कर दिए। और ये पेड़ पौधे आप कटहल का लगाएंगे, आप सागौन का लगाएंगे, आप और भी सहजन का लगाएंगे, और भी यूकेलिप्टस, बहुत सारे पेड़ अगर आप चारों तरफ लगाएंगे तो ये बुढ़ापे का पेंशन भी है। ये क्या करेगा, आने वाले 5-7 साल बाद आपको अगर 4 एकड़ की मेड़ों में अगर आपने पेड़ पौधे लगाए तो 30-40 हजार तो आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा, कितने, 5-7 साल बाद। और उसके अलावा उसकी पत्ते गिरेगी तो हमारी खाद बनेगी। तो प्रकृति खेती में चारों तरफ आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखेंगे, पेड़। बल्कि हमारी शहर की जमीन, उसके अभी हमने चारों तरफ क्या लगाए हुए, पेड़। ये हमारी सीबीआर सॉइल टेक्नोलॉजी, क्या है ये, सीबीआर सॉइल टेक्नोलॉजी, मतलब ये ऐसा कीट नियंत्रक है जिसमें हम लोग 1 तसला 3 फीट जमीन खोदते हैं, 1 तसला मिट्टी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, मिट्टी, और कोई भी बड़े पेड़ की 1 तसला मिट्टी, और 100-200 लीटर पानी डाल के इसको हिला देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हिला देते हैं। अब ये मिट्टी हो गई, आप हमारे पेड़ पौधे में देखना जब हमने इसका स्प्रे करते तो मिट्टी की परत जम जाती है। काहे की परत जम जाती है, मिट्टी की। अब इसको कोई इल्ली केचू खाने आएंगे, और सॉरी इल्ली या कोई कीट खाने आएगा तो उनको तो हरे पत्ते खाने आए थे, तो उनके मुंह में क्या आएगी, मिट्टी आएगी। क्या आएगी उनके मुंह में, मिट्टी आएगी। तो मिट्टी आएगी तो वो उसको खाएंगे नहीं, वहां से चले जाएंगे, जिस प्रकार हमारे खाने में मिट्टी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, इसको हमेशा हमको थोड़ा सा ओपन छोड़ना। अभी जो मटके दिख रहे हैं इसमें बीज अमृत बनते हैं, आ जाइए। अब सब लोग ने नीचे देख देख के खेत का भ्रमण करेंगे। यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं आम, संतरे, बगीचे सबके हमने लगाए। इसके अलावा अभी पत्तों को भी, फूल को भी हट गई है, अब इसमें तरबूज, खरबूजे और ये सबके रोपे अभी पूरे लगे हुए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारे पेड़ डेवलप हो रहे हैं तो बीच में हम फसल ले लेते हैं, उस जगह हम लोगों ने गौ माता के लिए घास भी लगाए, ठीक है।
ये हमारे देखिए रोपे लगे हुए हैं। ये जो आपको रोपे दिख रहे हैं इसमें हम लोगों ने पाइप को ऐसे बांध के एक देसी जुगाड़ कर दिया जिसमें सस्ते में अच्छे, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं रोपे मतलब डेवलप हो रहे हैं तो उनको एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते, तो हरी नेट की छांव से हमने इस तरीके से डेवलप किए हैं। अभी देखिए आपको बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे यहाँ पे, ये है हमारा मधुमक्खी का घर। तो ये जो मधुमक्खी का घर है ये देखिए छोटी छोटी मक्खियां दिख रही है आपको जाते हुए यहाँ पे। तो मधुमक्खियां क्या होती है कि जितने भी बड़े पेड़ हैं उसके नीचे आप इधर देखिए आप उधर देखिए जहां भी देखेंगे हमने मधुमक्खी के घर बनाए। कहते हैं अगर दुनिया में मधुमक्खी खत्म हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये क्या करते हैं परागण करते हैं फूलों का, क्या करते हैं फूलों का परागण। और उससे क्या होता है कि अगर आपकी एक लौकी आनी है और इन्हें अगर फूल का परागण करती तो 5 लौकी आएगी। हम शहद के लालची नहीं है, शहद भी मिल सकता अगर किसी को शहद का काम करना, लेकिन हम शहद ही नहीं निकालते, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और आप ये लाइन से देख ही रहे ना कितने पेड़ लगे चारों तरफ, देख रहे हैं आपको पेड़ यहाँ पे, ये पूरी मेड़ों में ये नीम के लगाए हमने, काय के लगाए नीम के और अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए। और ये जो आपको ये जड़ दिख रही है हमारे पापा कहते थे कि कांटे के पेड़ काटने नहीं चाहिए, तो अब कांटे के पेड़ आजकल तो क्या नेचुरल हो जाती, पहले लोग इस कांटे की रुधान करते थे, अब हम लोगों ने इसमें क्या किया ये पैशन फ्रूट के कृष्णा फल लगा दिए। क्या लगा दिए, ये ऐसी जड़ फैल के पूरी चारों तरफ फैल गई है पेड़ों के, और कुछ फल नीचे गिरे होंगे देखने का फल गिरा है क्या, अब तो उनका मौसम चले गया। तो इसमें संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, क्या होता है संतरे से ज्यादा 10 गुना विटामिन सी। ये देखिए ये है पैशन फ्रूट और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, ये बड़े शहरों में बहुत महंगा भी बिकता है। तो हम कुछ पेड़ जो हमारे काम की नहीं इसको काटिए मत, इस तरीके से सपोर्टिव बेलाएं वो लगा दीजिए, काली मिर्ची और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है। आप सब लोग थोड़ा साइड नीचे देखिए आइएगा, ये देखिए ये हम लोगों ने हार बना के इसी विधि से हम लोगों ने यहाँ पे 4 प्रकार के गेहूँ बोए। कितने प्रकार के गेहूँ बोए हैं, 4 प्रकार के, सोना मोती बंसी खपली और ग्वाला। क्या क्या वो है, सोना मोती बंसी खपली और ग्वाला। तो आप ये जो गेहूं देख रहे हैं इसमें हमने घार बनाए हैं और इसको हम लोगों ने 1 एकड़ में मात्र सॉरी 1 एकड़ कह रहे 10,000 स्क्वायर फीट में मात्र 1 किलो लगाए। कितना मतलब 1 एकड़ में 4 से 5 किलो लगते हैं। इसको हमने रोपा सिस्टम जैसे धान रोपते हैं ना उस तरीके से, पहले हमने इसको 20 दिन रोपा लगाए, 21वें दिन उसको 25% ऊपर से कटिंग कर लिए और उसके बाद 30वें दिन इसको यहाँ पे आके रोप दिए। तो आप ये देख सकते हो कि अलग अलग वैरायटी के हैं, इतने दूर दूर लगे लेकिन कितने हाइटेड हैं और कितने ज़्यादा इसने कंधे फोड़े हैं। ठीक है, आइए अब धीरे धीरे हम आपको बड़े स्तर वाले प्लस मॉडल बता रहे हैं गेहूँ के। कौन सा मॉडल बता रहे हैं, ये अलग अलग प्रजाति के गेहूँ दिखेंगे। सब लोग ऐसे पीछे लाइन बना के आइए, ये तो दिक्कत होगी मेरे पीछे आइए। ये देखिए ये सब हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग रामफल ये कटहल ये सब अलग अलग लगाए हैं। आप ये देख रहे हैं कितने इतने अच्छे फंसे फोड़ी हैं और इसकी हाइट देख रहे हैं कितनी अच्छी है, बल्कि इसको 2 बार गऊ माता यहाँ चर भी गई थी उसके बाद भी हमारे को बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज ये गेहूं की ये है कि ये है सोना मोती गेहूं। कौन सा गेहूं है ये, सोना मोती 5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो सभ्यता का, फन से भी अच्छे फोड़ा है, इसके दाने एकदम गोल गोल होते हैं मोती के दाने के जैसे। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा गेहूं है जिसको खाने से खून बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड है। आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इसने एक एक जगह 50-50 फनसे फोड़ा है। कितने फनसे फोड़ा है, 50-50। अब जो बड़े स्तर में हमने गेहूं लगाए जिसमें हमने 1 एकड़ में मात्र 35 किलो लगाए गेहूं, कितना लगाए हैं आज आदमी क्या लगा रहा है 90 किलो 100 किलो घना, ये दिख रहा है ना कितनी दूर दूर लगा है, लेकिन फिर भी इसका प्रोडक्शन उससे डबल होता है, मतलब इसका एवरेज 10 से लेकर 25 क्विंटल तक आ सकता है। तो हमने छोटे स्तर में इसको अलग अलग पैटर्न से ऐसे डेवलप किए थे। इसके नीचे देखिए पूरा कचरा भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, लेकिन इसका क्या है दोस्त है। और ये जो आपको बीच में नालियां दिख रही है इस नालियों में हमने पानी दिए थे और इसको अच्छा ध्यान से हमने क्या कर दिए थे ढाक दिए थे। ठीक है, अब आपको देखिए बहुत अच्छा मॉडल दिखा रहा हूँ, आ जाइए। अब आप ये देख रहे हो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रकृति खेती का। क्या एग्जाम्पल है, अभी आपको थोड़ा सा आगे तक मैं पूरा प्लस मॉडल दिखाऊंगा। कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये प्रकृति खेती का कि एक ने कितने फन से फोड़ा है, इतने फन से आप देखिए अगर कोई गेहूं को हम दूर लगाएंगे तो धूप और मिलेगी तो कितने ज्यादा ये एक उस दाने ने फन से फोड़ा, गिन के देखिए कितने हैं, आप गिनिए जरा अंदाजा कितने हैं, गिनिए गिनिए इसके कितने हैं। जल्दी जल्दी एक अंदाजा गिन लीजिए, ये तो दूर दूर है आप लेके, एक जो अपना अच्छा है बिल्कुल दूर जो अपन ने लगाया उसका एक वो दिखा रहा है। अब इतने इतने जितनी इसमें बालियां निकली है इतने के लिए हमको कितना एरिया लगता, 50 तो होंगे लगभग इसमें, कितने 50। और अगर 50 बाली के लिए अगर हम इसको पास लगाए तो ये हमको कम से कम
लगभग 10 स्क्वायर फीट जगह लगती है, लेकिन इसने कितनी जगह पे ले गया, आधा फीट में ही इसने इतना फन से फोड़ लिया है। इसके दाने मोती के जैसे, और नीचे देखिए पूरा कचरा उग रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये कचरा अगर इसके ऊपर आ जाए या इसकी धूप रोशनी रोके तो ये नुकसानदेह है, लेकिन नीचे है तो इसमें कोई कमी है पैदावार में, इसकी क्वालिटी में कमी है। और इतने फन से कभी गेहूं में देखे हैं आप लोगों ने? और इसके अलावा ये देखिए, ये पूरा मेथा ने इसको घेरा हुआ है। हमारे पूरे खेत में राई भी बहुत दूर दूर तक लगी है, अभी सूख गई। इतने सिर्फ 8 एकड़ के इस खेत से हमको 7-8 क्विंटल राई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? राई मिल जाएगी। और ये मेथा गेहूं कटने के बाद इसको हम जमीन में मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? खाद का भी काम बन जाएगा। और अभी ये एज ए मल्चिंग का काम कर रहा है नेचुरल, क्योंकि ये हाइट में कम है। चूंकि ये काली मिट्टी है, इसमें बहुत ज्यादा कचरा उगता है, तो हम एक पलेमा देके, मतलब एक पानी देके रूटावेटर से मिला के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये ऐसे गेहूं है जो बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं, ये उच्चतम क्वालिटी का गेहूं है। कौन से क्वालिटी का है? उच्चतम क्वालिटी का। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसने कितना अच्छा फंसे फोड़ा है, कितना अच्छे से इसके आजू बाजू जितना भी कचरा है उसका कोई ऐसे तकलीफ नहीं है। वो एक तरीके से इसका भाई बहन का काम कर रहा है, दोस्त का काम कर रहा है, क्योंकि इस कचरे को हम क्या बोलते हैं, इस धरती का बेटा बेटी। नेचुरल उगता है, हर साल उगता है, तो ये इसकी क्या है? बेटा बेटी। और हम किसकी आसपास की गौशाला, क्योंकि हम गौधारित खेती करते हैं, तो हम कोई भाइयों को लगा देते हैं कि थोड़ा थोड़ा काट के ले जाते हैं हमारी गाय के लिए भी। जिस तरीके से हम मेथा मेथी खाते हैं, ये जंगली मेथा है, इसकी भी सब्जी बनती है, हमारी गाय के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तो हम एक कोई भी दुश्मन को, अगर अपन खरपतवार प्रकृति खेती में दोस्त है, बस हमको मॉडल सही चाहिए। अब सब लोग धीरे धीरे यहाँ पे जाइए। इधर हमने चना लगाए हैं, फिर इधर हमने धनिया लगाए, फिर इधर हमने चना, मतलब हमने 7 फीट का प्लस बनाए। क्या बनाए? 7 फीट का, ऐसा 7 फीट हमने ऐसा लगाए पूरी जमीन में, और ऐसा 7 फीट कैसा लगा है? ऐसा। और चाहे तो आप इसको चारों तरफ भी लगा सकते हैं, हमने इसको प्लस मॉडल दिए हैं। अब इस प्लस मॉडल देने से क्या होता है कि देखिए, इसमें देखिए छोटी छोटी मधुमक्खियां, ये सब दिख रही है आपको? दिख रही है मधुमक्खियां? ये राई भी हमको मिल रही है चने से, और इसमें एक बायोडाइवर्सिटी, और इसको जो हम कहते हैं कि मिश्रित खेती, क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स फार्मिंग या मिश्रित खेती। तो ये पूरी मिश्रित खेती है, और इसमें हम लोगों ने इस साइड ये साइड चनोनी लगाए, जो छोटा चना होता है, बहुत देसी होता है, बहुत ताकतवर होता है। आप इसमें धनिया की फ्लावरिंग देखिए, इतना धना निकल जाएगा हमारा। इससे प्लस मॉडल से हम लोग 3 से 4 बोरे धने उपयोग कर लेंगे, जो अगली बार हमें धनिया लगाने के भी काम आएगा, हमारे खाने में भी काम आएगा। और अब हमने इस साइड क्या की है, सोना मोती गेहूं लगाए। कौन सा गेहूं लगाए? इस साइड हमने लगाए ग्वाला गेहूं। जैसे आप उस साइड थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसकी बालियां बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी इसके बाद से, ये इसके बाद से ये जो दिख रही है ना, तो ये हम लोगों ने क्या लगाए? ग्वाला लगाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, आप कभी अपनी जमीन की ऐसी मिट्टी पकड़ेंगे, ये आप अपनी जमीन की ऐसी मिट्टी पकड़ेंगे, अब आपका हाथ आगे पूरी ताकत से रोकिए, पूरी ताकत से रोकिए, तो पूरी ताकत से ऐसे रोको कि मैं आपका हाथ नीचे नहीं कर पाऊं। इनकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा है, अब इसको छोड़ दीजिए। आग आप अपनी मिट्टी को अगर उठाएंगे खेत की, और अगर यूरिया डीपी डालते, तो एक हाथ से आपका हाथ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब मोबाइल पकड़िए आपका, अभी नेगेटिव एनर्जी इनने पकड़ा है, हाथ आगे कीजिए, रोकिए पूरी ताकत से, इनका हाथ बिल्कुल नीचे, फिर से कीजिए। जैसे इनका भी मोबाइल पकड़ने में हाथ नीचे हो रहा है ना एक उंगली से, वैसे आपकी जमीन में, क्योंकि आपकी जमीन की मिट्टी में ताकत ही नहीं है। इसके अंदर करोड़ों जीवाणु है, क्या है? इसलिए 6 इंच मिट्टी में जान होती है, क्या होता है? जीवन होता है। और जिस जीवन में उमंग ही नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है, तो कहां से पैदावार देगी? इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति खेती में आपको किसको समझना पड़ेगा? प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो अब आप जैसे आगे जाएंगे, और तो उधर साइड हमारा बंसी लगा और उधर साइड हमारा खपली लगा, तो हमने 4 पार्ट्स में इसको कैसे कर दिए हैं। चलना है आगे थोड़ा आपको? हाँ, तो आ जाइए थोड़ा इस मेरे पीछे पीछे आएगा, कि जिससे आप लोगों को समझ में आए। और ये एक ऐसा मॉडल है, ये एक ऐसा मॉडल है कि अगर कोई छोटा किसान भी लगाए, तो धनिया बेच के अपना और ऐसे मिश्रित खेती करके अपना महीने का खर्चा निकाल सकता है, और जब एक साथ आपकी फसल आए तो आप अलग उसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इसमें कुछ कुछ जगह जो भी दिख रहा है आपको, तो जो भी इसके यहाँ का क्या है, ये बेटा बेटी, ये देखिए जो उग रहे हैं, ये देखिए ये जो उग रहे हैं, तो जो भी इसके क्या है? बेटा बेटी। और उसके अलावा हमारी कोई लागत नहीं लगी, हमारा बीज खुद का था, खाद खुद की थी, कचरा अचरा का कोई हमने ऐसी दवाई दारू कुछ डाला ही नहीं इसमें, सिर्फ गोबर गौमूत्र फूल पत्ती और फल का रस और राख राख के भभूत का उपयोग हम बोनी के समय किए डीएपी की जगह। तो देखिए कितना शानदार है, ये देख रहे हैं इस धनिया की फ्लावरिंग देख रहे हैं आप लोग, कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये।
और इसमें आप देख रहे होंगे कि मधुमक्खियां और मित्र कीट, ये जितनी भी है हमारे क्या है, मधुमक्खियां हैं, छोटी मक्खियां और मित्र कीट है, क्या है ये? हाँ, ये फसल को नुकसान नहीं करते बल्कि जो फसल को नुकसान पहुंचाना है उसके साथ लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इतना सुंदर परागण हो रहा है, इतनी अच्छी मधुमक्खियां चारों तरफ भरी हुई हैं, और कितना खूबसूरत देखिए आप, मतलब मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, इतनी धनिया में इतनी अच्छी फ्लावरिंग, और इसको हमने कल्टीवेटर से बोए थे सबसे बड़ी चीज, सोचिए आप। चने भी आप देखिए, इस समय हमने इधर मटर बोए थे, जहाँ जो आपको मीठा मीठा दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा गैप में, इधर हमने मटर बोए थे, इतने मीठे मटर, मटर तीन बार कटाई हो चुकी है, तो मटर अब जा चुके हैं, मटर क्योंकि थोड़ी जल्दी आ जाती है। ये देखिए, ये प्रॉपर प्लस मॉडल है हमारा, यहाँ से हमने पूरी एक रोड बना दी, एक पूरी रोड ये बना दी, एक रोड ये, और कुछ कुछ जगह इतनी ज्यादा फलियां आ गई उसमें कि वो दाना धनिया गिरने लगा हमारा। ठीक है, अब ये वाला जो गेहूं लगा है, बंसी लगा है, ये लगा है ग्वाला, ये लगा है खपली, ऐसे हमारा चार सेक्टर में हमने क्या कर दिए हैं। और ये देखिए बाजू में राई कितनी बड़ी बड़ी है, ये देसी राई है, खुद उगी है, जो पतली राई होती है ना इस पूरे एरिए से, अभी हमारी 8 क्विंटल, तो लगभग 8 एकड़ में हमको 8 क्विंटल क्या मिल जाएगी, राई। और आज 5,000 रुपए क्विंटल में, तो 8 क्विंटल कितने की हो गई, मतलब आपको नेचुरल ही बिना कुछ लगाए, हमने उगाई नहीं। उसके अलावा 10 से लेकर 14 क्विंटल के बीच हमें क्या मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, जो 3,500 रुपए क्विंटल थोक रेट में नीचे नहीं बिकेगा, क्योंकि पुरातन सर्वती उच्चतम क्वालिटी का गेहूं है। कौन सी क्वालिटी का है? उच्चतम क्वालिटी का। उसके अलावा बीज हमारा खुद का, खाद हमारी खुद की, थोड़ी मेहनत तो किसान वैसे भी करता है हर चीज में, तो हमारा कोई खर्चा है, भले आंधी तूफान आ जाए कुछ आ जाए, इतने ताकतवर बीज है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो देंगे। दूसरी चीज, हमारे को लागत नहीं लगी ना के बराबर, आपकी जमीन इतनी धीरे धीरे भुरभुरी होना चालू हो जाएगी कि आप एक बार जीरो टिलेज, मतलब कल्टीवेटर रोटावेटर भी नहीं बोना है, इसको काटने के बाद हम सीधे जीरो टिलेज से अपना ये मूंग बो सकते हैं, क्या बो सकते हैं, तो हमारा वो भी खर्चा खत्म। लेकिन हम मूंग नहीं बोएंगे, हम मूंग सिर्फ थोड़े एरिया में बोएंगे, इसको कि हमको धान के लिए यहाँ पे तैयारी करना है। तो अब ये प्लस मॉडल हो गया, अच्छा प्रकृति खेती में अपनी आपको खुद इच्छा होगी, क्योंकि इसमें खुशबू काई की आ रही धनिया की और मीठी मीठी खुशबू, जहरीली खेती में बांस इतनी आती है अंदर घुसना पसंद नहीं करता, मुंह बांध के घूमता। और प्रकृति खेती में देखिए पेड़ पौधे कितने हिल रहे हैं, देखिए आप आ गए ना, ये देखिए पूरे सरसों हिल रही है, गेहूं हिल रही है, फूल हिल के नमस्ते हाय हेलो कर रहा है, ये रियल में आप सोचिए, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जान है, क्या है इनमें, ये देखिए खुद हिल रहेंगे, आपको लगेगा यार ये घेर के भी खड़े हैं फिर भी हिल क्यों रहे हैं, हवा तो चलती है नेचुरल, लेकिन इनके अंदर प्राण होते हैं और ये खुश होते हैं, जितनी आप फसल के आसपास जाएंगे वो क्या होंगे, खुश होंगे। और चूंकि आपको फंसे इसमें ज्यादा फोड़े, इसलिए एकदम चुपका चुपका घना गेहूं नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा घना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी कैसी दिख रही है आपकी, और सरबती है सबसे बड़ी चीज, और हमने कुछ भी नहीं डाले। आप सोचिए इतने बड़े स्तर के गेहूं में हम लोग लगभग 100 से 200 परिवार को देंगे, तो 200 परिवार जहर रहित क्या खाएंगे। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के लिए 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में, 5 एकड़ है तो आधा एकड़ में, और कैसे हमारी गौशाला है, आप हमारी गौ माता को देखेंगे आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। तो आगे हम आपको गौ माता का दिखाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, गोबर के कंडे की राख, गोबर गौमूत्र और फूल पत्ती, जितने भी फल हमारे लगे उसका 3 रस जो हमने आपको पढ़ाया था, वो हमको उसमें क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, अब आप सब लोग अंदर गौशाला में चले जाना, ठीक है, बोला नमो विद्या गरिमा, आओ आ जाओ, नमो पारुल आ जाओ, गरिमा विद्या आ जाओ, सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, आ जाओ सब लोग उधर खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ विद्या, आ जाओ बेटा, आओ आओ सब लोग, और बोला ये बोला हमारा, आ जा इससे दूर रहना, इससे आ जा बैठो बैठो, आ जा ले, आओ 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 बोला, आओ आ जा बोला, आओ बोला आ रहा हूँ, आ सर हो जा उससे दूर हो जा, बाकी कोई गाय कुछ नहीं करेगी, हाँ इतना दूर रहना बोला था ना।
कितना अच्छा सिस्टम। इसका नाम है गायत्री, इसकी माँ का नाम है गोदावरी, इसकी माँ का नाम है नर्मदा और ये नमो, ये एक साल का है मात्र। इसका हाइट देखिए, ये इसकी माँ है नर्मदा, इसकी हाइट देखिए। तो ये जो हमारी गौशाला है इसमें हर गौ माता के नाम लिखे हुए हैं। जो एक नंदी महाराज होता है वो शेर जैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए, मतलब पुरानी चीज है, उनकी रक्षा कर सके, कोई बड़ा जानवर आ जाए कुछ आ जाए। ये बेल रसायन है, इसका दो ढक्कन हम क्या करते हैं बायो कैटलिस्ट कहते हैं, इसमें बायो एंजाइम हमने बताया था ना। तो ये फूल वर्धक फल वर्धक भी, और हम गाय की टंकी में इसको दो ढक्कन डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे हर जगह देखिए नाम लिखा, जैसे स्वीटी है, कौन है स्वीटी, उसका बेटा है स्वर, है ना। तो माँ का नाम सास है, तो बेटा है बेटी, उसका नाम किससे रखते हैं हम, सास है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हमारी माता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारी तीन माताएं होती है, हमारी धरती माता अन्नपूर्णा माता, हमारी गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, तीसरी हमारी माता। हमें सभी इन तीनों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, हमें जीवन में किसी भी चीज की क्या नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। अब ये देखिए धरती हमारी माता है, इसके पुत्र पुत्री प्रकृति के इस बीच के सुंदर बंधन राम सेतु कह सकते हैं, इसलिए गौ आधारित खेती इसका आधार है, और कृषि से गौ माता बिना कृषि की जहरीली हो जाती है। वो देखिए पूरा लिखा हुआ है उसमें, आप देखिए प्रॉपर, है ना। तो ये जो पूरे वाक है इसमें हर हमारे यहाँ जैसे इस वाली खेत में 35 गौ वंश है, उस 35 गौ वंश के प्रॉपर नाम है, उनके ही गोबर गौमूत्र से हमारी प्रॉपर प्रकृति खेती हो रही है, और हमारी खेती के लिए वरदान है। अब इनके गोबर का हम कैसे उपयोग करते हैं, जैसे गौमूत्र दिखा दी हमने कैसे करते हैं, सुबह गौ माता उठी तुरंत उठते हुए गौमूत्र करते आते हैं, उसको रख के यूज कर लेते हैं, और गौमूत्र अपने आप एक चमत्कारी चीज है। आइए अब थोड़ा मेरे को साइड दीजिए, मैं अब आपको गोबर की वो कैसे हम उपयोग करते हैं। दुनिया की मैं आज आपको चलो उधर समझ लो पहले, मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली खाद बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली खाद। आइए सब लोग जल्दी से नीचे देखिए, इधर आइए। अब आप लोग दुनिया की सबसे शक्तिशाली खाद देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली खाद। सब लोग आ जाइए ऊपर चढ़ जाइए, खराब नहीं, आ जाइए ऊपर चढ़ जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो दुनिया की सबसे अच्छी खाद ये है कि इसमें हमने क्या रखे, शेड रखे, क्या रखे, धूल, सूर्य की रोशनी यहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शेड कर दिए, चाहे तो आप ऐसे बांस लगा के ऐसे हरा नेट बांध सकते हैं, तो सस्ता भी बन सकता है। हमने परमानेंट काम है, हमारे पास गाय ज्यादा, तो हमने ये सिस्टम किया, ये 28 दिन में खाद बन जाती है हमारे, कितने दिन में, 28 दिन। हम तीन तरीके की खाद बनती है, पहली के हम गड्ढे में डाल देते, एक साल में बनती है वो खाद, कोई काम की नहीं, वो एक एकड़ में 10 टन लगती है। दूसरी खाद हम केंचुए की लगते हैं, वो एक एकड़ में 5 टन लगती है, कितनी लगती है एक एकड़ में, और ये सिर्फ एक एकड़ में 250 किलो से 500 किलो लगती है, कितनी लगती है, इसको हम कहते हैं घनजीवामृत या अमृत खाद। ये दही का जावण है, जैसे हमने इतना सब ये उठाए और इसको हमने कहीं फेंक दिए, तो 50x50 की जगह में जीव भर जाएंगे। इसको आप सब लोग सूंघ के देखिए, सूंघ के देखिए, इसको सूंघ के देखिए कैसी खुशबू आ रही है। देखिए दिखने में भी आपको गंदी नहीं लग रही होगी, कैसी खुशबू आ रही है, और एक दो ले, ये भैया और पचा दो उधर, भैया कैसा खुशबू आ रही है बताइए, देखिए आप लोग बताइए जल्दी, ये तो बताइए खुशबू कैसी आ रही है। इसमें ऐसी खुशबू आ रही है जब पहली बारिश की जो सौंधी खुशबू आती है मिट्टी से, या मक्खन की खुशबू आती है। तो ये क्या होता है, दही का जावण है, ये जहाँ फैलता है वहाँ जीवाणु फैला देता है, और इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास इतने तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स और इतने तरीके की ताकतवर चीजें की दुनिया की सबसे शक्ति, क्योंकि इसमें हमने क्या किए हैं कि हमने इसको ऐसे ढेर बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और ये हमने टंकी में पंचगव या गौ जीवामृत या अमृत पानी बना लिए। इसको आपने देख ली, इसको हम क्या करते हैं ऐसे टंकी में ऐसे भर लिए, इसको आप सुनते भी देखेंगे तो इसमें अच्छी खुशबू आती हो। इसमें बांस से हमने छेद किए, किससे छेद किए, कोई भी एक पहलवान आदमी बांस से इस पर छेद करना, अभी तो हमारी खाद बन गई, इधर साइड उठाना भी एक अर्जन कोई भी बांस, आओ भैया इधर जल्दी उठाओ, हाँ ये थोड़ा बड़ा बांस है, इसको इसमें ऐसे करके ये वाले गोबर में ऐसे एक दो छेद मारिए इसमें, इससे आराम को उसको ऊंचा नहीं करना, हाँ और मारिए एक छेद बस, और दूसरी जगह भी मारिए, ये हमने देखिए इसमें इसमें मारिए सांप वाले गोबर में, सीधा खड़ा बांस बड़ा, ये देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, ये बांस थोड़ा सा बड़ा है, वो छोटा बांस वहां से आ जाएगा, छोटे बांस से इसमें हमने छेद कर दिए, और ये घोल हमने इसमें ऐसे बांस में गड्ढे में थोड़ा थोड़ा ऐसा करके
हमने डाल दिए, ठीक है। इसमें गोबर गौमूत्र, छाछ और इस तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है। जीव अमृत हम लोग ने आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब ये जो खाद एक करोड़ों जीवाणु उसको क्या करने लगे, खाने लगे, क्या करने लगे, खाने लगे। अब हमको क्या करना है, एक हफ्ते बाद ये घोल 50 इतने एरिया में हम 100 किलो घोल डालते हैं, कितना 100 किलो। फिर उसको हमने फावड़े से एक हफ्ते बाद पलटाए और फिर ये घोल हमने इसमें डाल दिए, फिर 21वें दिन हमने फिर इसको कर दिए, तो ये कैसी खाद बन जाएगी, ऐसी। अब इसको हम क्या करेंगे, बोरों में भर के रख लेंगे, किसमें, जैसे आपके घर के सामने यूरिया डीपी ऐसे भरी रहती है ना बोरे, आप इसके बोरे भर के रख लीजिए। 250 से 500 किलो आपके खेत में उपयोग हो सकती है। बनाने में कोई दिक्कत है, इसमें आप उपयोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भूसा हो, साफ वाला हरी पोह हो, हमारी भभूत हो जो राख होती है, राख का उपयोग आप कर सकते हो। उसके अलावा आप इसमें डस्ट, देखिए थोड़ी सी ना वहाँ पीछे डस्ट रखी, पत्थर की चूरी आती है ना, इतने बड़े में एक दो तसला अगर आप पत्थर की चूरी डालते तो उसमें भी 48 प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये खाद बन के, और ये खाद और हमने जीव अमृत या अमृत पानी का स्प्रे कर दी तो हमको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये एक तरीके से दही का जावण है, इसको आप उठा के देखिए, कोई भी आपको गंदा नहीं लगेगा। एक बार कोई अगर खुद से उठा के कोशिश कीजिए, इसको उठाइए थोड़ा सा गोबर, लग रहा है आपको खराब लग रहा है ऐसा लगने में दिखने में, तो ये दिखने में भी खराब नहीं है, इसमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और अब जैसे ये भाई साहब इसको ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ना भी है इसको, अब हाथ आगे करो आपको और ऐसे बांध के रखो मुट्ठी, पूरी ताकत से रोको रोको, ये देखिए इनकी रोकी पूरी ताकत से, ताकत लग रही है ना। अब मोबाइल पकड़ो आपका, नेगेटिव एनर्जी, कितनी ताकत है इस गोबर में देखिए आप, अब हाथ आगे करो, ये देखिए अब इनकी ताकत बिल्कुल भी नहीं, एक उंगली से मैंने कहा रोको पूरी ताकत लगाओ ना यार, अभी तुम्हें कितनी ताकत थी, ये देखो आप कोई। तो ये इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, गोबर को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये काला सोना है, क्या है ये, काला सोना। और ये 250 से 500 किलो में आपको पहली बार में, आपको आपके अगर दो गाय भी और अगर आप आधे एकड़ में 250 से 500 किलो गोबर का उपयोग करेंगे इस विधि से, तो आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी, आपके घर वाले भी विश्वास करेंगे। और आज आपके घर वाले क्या खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो आप युवा हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, 10 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़ में हमको ये इसका उपयोग करना चाहिए, और अपने घर वालों को जहर रही सात्विक भोजन कराना चाहिए, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और हमारे घर में एक दो गाय रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, देखो कितनी अच्छी गाय, भात फेर के देखो कुछ नहीं करेंगे वो, मेरे को विश्वास इसलिए कह रहा हूँ, डरने की कोई बात ही नहीं, इतनी अच्छी गाय है ये लोग। अब हाथ भी फेरेंगे ना कोई, क्योंकि हम इनको कैसे रखते हैं, अपने परिवार के जैसे, हम इनको बांध के कष्ट से रखेंगे तो क्या करेंगे, आपको मारेंगे, अब इनको प्रेम से रखते हैं। मैंने जैसे आवाज दी तब सब गले लगाई ना मुझे आके, क्योंकि मेरी माँ है, मैं इनको दिल से मानता हूँ, तो मेरे को वैसे इज्जत। अभी जो घंटी बज रही आ रही घंटी की आवाज, ये हमारी सरस्वती माता है, दुर्गा जी की आरती हो रही है, क्योंकि अगर गौ माता चल रही है और घंटी बज रही है तो क्या हो रही है, गौ माता दुर्गा माँ की क्या हो रही है, देख कितने अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, आ रही घंटी के बाद, ध्यान से सुन के देखिए आप लोग। तो प्रकृति खेती अपने आप में वरदान है, गौ माता हमारी माँ है, इतना प्रेम मिलता है, इतना उनसे करुणा मिलती है हमें, और पेट में हाथ फेरने से बीपी शुगर नॉर्मल हो जाता है, उनका देखिए उठा हुआ हाथ दिख रहा है, उस वही सूर्य से शक्ति खींचते हैं, और गोबर गौमूत्र इसमें इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली हो जाता है, और दूध भी साथ में उनका। तो यही जो उनका हब या जो ये निकला हुआ है, ये अपने आप में चमत्कार है और बहुत बढ़िया है। वो देखिए वो हाथ फेर रही है, देखो कुछ नहीं करे, कितनी बड़ी साइज में गाय है, ये भैया डर गए लेकिन बस मुंह चौगा ली तुमने, ये डर रहे हो गाय से, हाथ फेरो उसमें, ये देखो ये है शक्ति, देखिए कितना अच्छे से वो लोग हाथ फेर रहे हैं। और अगर गौ माता इसमें चल भी ले तो ये और अच्छी खाद बन जाएगी, खुर खाद कहते हैं, क्या कौन सी खाद कहते हैं, खुर खाद। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, यही आपकी प्रकृति खेती का सिस्टम था। तो अब आप सब लोग ऐसे हाथ आगे बढ़ाइए और एक हमारे साथ वो कीजिए, हाथ बढ़ाइए सब लोग कि हम युवा लोग जीवन में जहाँ भी जाएंगे अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए, और प्रकृति खेती को हम बढ़ाएंगे। आज जो हमने यहाँ से ज्ञान अर्जित किया है दूसरों तक फैलाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और अपने परिवार और वासुदेव कुटुम्बकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसको चरितार्थ करते हुए प्रकृति खेती को बढ़ावा देके, जहर रहित अमृत जैसे अन्न को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम चाहे जो भी फील्ड में हो, जो भी हम व्यवसाय में हो,
जय हिंद। चलिए।